Shri Naga Sai Mandir, Coimbatore. जब भी इस धरा पर पाप और अत्याचार बढ़ा है, भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। जैसे भगवान राम ने अभिमानी रावण का संहार करने के लिए त्रेता युग में जन्म लिया था, तथा भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस को उसकी करनी का दंड देने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। सृष्टि का ये नियम है कि अगर कोई अत्याचारी इस वसुंधरा पर जन्म लेता है तो उसका संहार करने के लिए कोई न कोई ईश्वरीय अवतार अवश्य ही जन्म लेता है। कलयुग में भी यही हुआ। इस युग में पाप, धोखा, अत्याचार, नफरत आदि का पूर्ण तरीके से निर्मूलन करने के लिए श्री साईं बाबा ने जन्म लिया। ओम साईं नाथाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः। श्री साईं बाबा को भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। साई बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन एक योगी भिक्षुक की तरह बिताया। वे सुबह उठकर 5 घरों में भिक्षा मांगते और वहां से जो कुछ भी मिलता उसी में गुजारा करते थे। प्राचीन काल से ही भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, जिन्होंने सदैव यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का पथ प्रदर्शन अपने विचारों, दर्शन एवं चिंतन द्वारा किया। पिछले 150 वर्ष में भारत में जितने योगी, साधु सन्यासी, संत तथा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनमें साईं बाबा का नाम सर्वोपरि है। साईं बाबा के भक्तों और अनुयायियों की अपने बाबा में इतनी गहरी आस्था है कि वे उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं।
साई बाबा में उनका अटूट विश्वास है। बाबा भी अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं, उनकी तकलीफों को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। साई बाबा 28 सितंबर 1835 से 15 अक्टूबर 1918 तक हमारे बीच थे। उनका जीवन शिरडी में बीता। उन्होंने जीवन भर लोक कल्याण के कार्य किए तथा जनता में भक्ति एवं धर्म की धारा बहाई। उनके अनुयायी भारत के सभी प्रांतों में हैं। साई बाबा की मृत्यु के लगभग 90 वर्षों के बाद आज भी उनके चमत्कारों के बारे में सुना जाता है कि कैसे बाबा ने एक निर्धन और असहाय महिला के मृत बच्चे को जीवित कर दिया था, कैसे गांव में हैजा फैलने पर उन्होंने लोगों की जान बचाई थी तथा कैसे बाबा ने पानी से दीपक जला दिए थे। साई बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों को यही संदेश दिया कि हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन यापन करते हुए सबूरी से काम लें। उन्होंने बताया कि चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, उनके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब का मालिक एक ही है। बाबा का ये मंत्र संपूर्ण मानवता को सर्वधर्म संभाव का संदेश देता है। कोई बोले काशी, कोई बोले काबा, कोई बोले काशी तो कोई बोले काबा, कोई बोले काशी तो कोई बोले काबा, एक है मालिक, एक है मालिक सबका बोले साई बाबा, एक है मालिक सबका बोले साई बाबा, कोई बोले काशी तो कोई बोले काबा, एक है मालिक सबका बोले साई बाबा, एक है मालिक सबका बोले साई बाबा, बोले साई बाबा, भारत में साई बाबा के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री नागा साई मंदिर, जो तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना सन 1939 में श्री नरसिम्हा स्वामी जी के साथ श्री केचारी, श्री वरद राजा अहयाय और उनके भाई श्री सी वी राजन ने की। सबसे पहले कोयंबटूर तमिलनाडु में साईं बाबा के नाम पर एक संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान का नाम श्री साईं बाबा मिशन संस्थान रखा गया। इस संस्थान की स्थापना श्री साईं बाबा के भक्तों के कल्याण के लिए की गई। श्री नागा साई मंदिर की बनावट अति आकर्षक है।
मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर शेषनाग का सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ की शिल्पकला सुंदर और दर्शनीय है। मंदिर को श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ साई बाबा जिस सिंहासन पर विराजमान है वो स्वर्ण जड़ित है। सिंहासन के पास जो चार स्तंभ बनाए गए हैं वे भी चांदी के बने हैं। इस मंदिर का गुंबज भी स्वर्ण से बनाया गया है। श्री नागा साई मंदिर में साई बाबा शेषनाग पर विराजमान हैं। साई बाबा की बड़ी प्रतिमा के साथ साथ मंदिर में साई की छोटी छोटी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ बाबा के दरबार में आते हैं। वे बाबा के सम्मुख शीश झुकाते हैं और अपनी मनोकामना बाबा से कहते हैं। बाबा भी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, वे उनकी हर मनोकामना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करते हैं। भक्तों को पूरा विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है उसकी हर इच्छा को बाबा पूरा करते हैं। श्री नागा साई मंदिर में बाबा की पूजा दक्षिणी रीति रिवाज से होती है। मंदिर के बाहर पूजा की वस्तुओं की दुकानें हैं। यहाँ पूजा की सभी सामग्री तथा पुस्तकें मिलती हैं। सबसे पहले बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। उसके बाद उन्हें फूलों से सजाया जाता है। बाबा का श्रृंगार बड़े ही सुंदर ढंग से किया जाता है। यहाँ श्री साईं बाबा की पूजा बड़े ही भव्य रूप से की जाती है। महावम प्रियाय महावम प्रीतिवर्धर्य
अंतर्यामिनी महावम अंतर्यामिनी महावम रचितात्मने महावम नित्यानवम भक्तानां मात्रदात्र पितामहावम भक्ताभय प्रदानवम भक्तपरिदिनानवम मुक्तान ग्रहकारणानवम जरणागतवत्सलानवम भक्तिव्यक्ति प्रदानवम मेन वैराग्य प्रदाय महावम प्रेम प्रदानवम दंतय हृदय तात्पल्य पाप कर्म वासना शेखराय महावृदय गंध वेदिकानवम कर्मत्पंचिनी महावम दंतस्फटितानवम गुणातीतान गुणात्मने महावमनंत कल्याणाय महावम पराक्रमाय महावम जगिनी महावम मुक्ताक्षोभ्यान महावम त्रिलोकेज अभिघातकदे महावजग्रहितान मंदरव्यक्तिमूर्तये मंदरूपकुंतलान महम बहुरूप विश्वमूर्तये महावलोपव्यक्तान महाजंतियाय महावम सूक्ष्माय महावम सर्वान्तर्यामिनी महावम महावाग्दीतान महावम प्रेममूर्तान महावम दुर्लभदुर्लभान महोदहाय सहाय महानाधिनाथ दिनवान्तवे महावम कर्माभारकृते महावम कर्मण्ये कर्म सुकर्मण्ये महावम पुण्यस्य कर्मपरायणाय महावम सेवेश्वराय महावम सदसुन्दरमाय महावम योगेश्वराय महावम भगवते महावम भक्तवत्सलाय महावम तत्प्रजाय महावम पुरुषोत्तमाय महावम सत्यदत्तवत्सलाय महावम कामारतन्त्रिय महावम वेदानन्द भवप्रदाय महावम कर्मदत्तमलाय महावम श्री दक्षिणामूर्तये महावम श्री वेङ्कटेश्वराय महावम अद्भुतान्तदेव्याय महावम प्रसन्नान्तिहाय महावम संसार धर्मदुःखक्षेत्राय महावम मंदिर इतना भव्य है कि जब मंदिर में आरती होती है तो आरती का सामूहिक स्वर एक लय में पूरे मंदिर में गूंजता है। आरती के समय यहाँ भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ लगती है। आरती के बाद भक्तों को बाबा के चरणामृत के साथ मीठा भात प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे ग्रहण कर भक्तगण तृप्त हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपना जीवन बड़ी ही सरलता से बिताया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई उपदेश दिए, उन्हीं में से एक है श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने कहा कि मनुष्य को अपना जीवन श्रद्धा और सब्र के साथ जीना चाहिए। ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और जो मिला है उसमें संतोष होने पर ही जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। जय जय श्री साईं।